गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये जो है सपोर्ट मटेरियल से हम क्वेश्चन 77 करेंगे। हम क्वेश्चन 77 क्या है, देखो ध्यान से, ये 1 प्लस एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर माइनस 1, उसकी होल पावर क्या है, माइनस 1, 1 प्लस वाई प्लस जेड रेज टू द पावर माइनस 1, और उस पूरे की होल की पावर है माइनस 1 इंटू में 1 प्लस जेड प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1, और उस पूरे की पावर क्या है, माइनस 1। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो ये 1 है हमारे पास, तो इसको 1 लिखेंगे, प्लस x को आप x ही रहने दो, प्लस y रेज टू दी पावर क्या है, माइनस 1, इसको जब माइनस 1 को हटाएंगे पावर को, तो ये 1 बाय इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास आ गया माइनस 1 इंटू में, सेम हम इसको भी करेंगे, 1 प्लस y प्लस 1 बाई जेड हो जाएगा ये, जब भी हम ये माइनस 1, ठीक है ना, माइनस का साइन जब हटाते हैं तो जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया आपके पास माइनस 1 इंटू में, सेम इसको करेंगे 1 प्लस जेड प्लस एक्स की पावर माइनस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 होल की। अच्छा, नेक्स्ट देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और इनका एलसीएम ले लेंगे, वाई 1 और 1 का एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा वाई, 1 से वाई को डिवाइड करोगे वाई पे जाएगा, वाई से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वाई, प्लस 1 से वाई को किया वाई पे गया, वाई से एक्स को करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई, प्लस में वाई से वाई को करोगे 1 पे जाएगा तो ये 1 रहेगा, और रेज टू द पावर माइनस 1, सेम हम इसमें करेंगे, तो इसके नीचे 1 ले लेंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे तो जेड आएगा, जेड 1 और 1 का एलसीएम, अब 1 से जेड को करोगे जेड पे जाएगा, तो जेड से इसको 1 मल्टीप्लाई करोगे जेड आ जाएगा, प्लस 1 से जेड को करोगे जेड पे जाएगा, जेड को वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो जेड वाई, और फिर प्लस जेड को जेड से करोगे 1 पे जाएगा, तो 1 से 1 को किया ये 1 रेज टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ भी सेम होगा, ये 1 लगा लिए 1 एलसीएम लोगे तो ये आपके पास आ गया x, 1 से x को डिवाइड किया x पे गया, x से 1 को किया तो x, प्लस में 1 से x को डिवाइड किया तो x पे गया, x को z से करोगे तो xz, और प्लस x से x को करोगे 1 पे जाएगा, 1 1 जब 1 रेज टू द पावर माइनस 1। अब देखो क्या है, ये इस माइनस को हटाना है, इस माइनस को हटाने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई अपॉन में वाई प्लस एक्स वाई प्लस में 1 इंटू में, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो जेड अपॉन में एक्स जेड प्लस जेड वाई प्लस 1 इंटू में, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो एक्स अपॉन में एक्स प्लस जेड वाई जेड एक्स प्लस में 1। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर वाला जो है मल्टीप्लाई होगा, यहाँ एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास एक्स वाई जेड, नीचे ये मल्टीप्लाई में है तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस एक्स वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई में हो गया z प्लस जेड वाई इंटू में 1, और ये x प्लस जेड एक्स प्लस 1, ठीक, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसकी वैल्यू दे रखी है 1, x y और जेड इज इक्वल टू 1, इसकी प्लेस पे 1 रख दो, 1 अपॉन में वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 जेड प्लस जेड वाई प्लस 1, ये प्लस 1 है, और इज इक्वल, फिर इसके बाद ये भी आ जाएगा आपके साथ एक्स प्लस जेड एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया।